तो हम वहां तो पूछते भी थे कि कोई समस्या है तो बताइए। और याद करिए जब वहां पर थे हम लोग, तो वहां पर तो सब लोगों को, डीएम को, एसपी को, सीनियर एसपी को, सबको क्या कहा हमने, हमने कहा इन लोगों से हमेशा संपर्क में रहिए, अगर किसी तरह की कोई कठिनाई उत्पन्न करे तो उसको छोड़िएगा मत, पूरे तौर पर सजग रहिएगा, हर जगह हम लोग कह रहे हैं। और अभी तो हमारे आप देख ही लिए, अधिकारी भी आपको कही दिए, तो हम लोगों के जो मतलब कि आपको बात कर ही रहे थे अभी सिंघल जी, तो उनको भी कह रहे थे कि हाँ बहुत बोल रहे हैं आप, तो ये भी आपको बता दिए। अब इन लोगों के साथ बराबर मीटिंग होती रहती है और हम लोगों ने कह दिया है कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाएं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आजकल एक हमको पता चला कि इधर प्रचार हो रहा है कि इंडस्ट्री करने वालों को तरह तरह का दिक्कत है। आज ही हमने बात किया है अपने ऑफिस में, तो इन लोगों ने बताया, हमने कहा तुरंत जरा पता करवाइए तो कहां पर कौन दिक्कत कर रहा है, और तुरंत डीएम और एसपी को, अब सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों को भी हम सबको कहेंगे कि जहां कहीं भी एक एक जगह जाकर के देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी इंडस्ट्री वाले को कुछ उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है स्थानीय स्तर पर, उसको जान लीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करिए। ये सारे डीएम और एसपी मौजूद हैं यहां पर। आज ही हमने कहा कि अगर कहीं आज बात हो रही है, कुछ लोगों ने कहा ऐसी बात है, तो हमने तुरंत कहा कि भाई सारे लोगों को कहे हुए हैं, अगर जहां कहीं भी होगा सख्त कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। प्रचार प्रसार तब छोड़ ना दीजिए भाई, हमारे उप मुख्यमंत्री बता दिए हैं, ऐसे ही आजकल चलते रहता है, कोई बात नहीं। अब प्रचार प्रसार होता है तो हमारे सब मित्र हैं, सब हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्या करेगा बेचारा, ऊपर से सब कुछ को कब्जा कर लिया है हाथ में, अब बिना मतलब का बात चलते रहे तो उसके लिए छोड़ दीजिए, वो सब तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बिना काम के लोगों का प्रचार होता रहता है। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग आपको किसी तरह की आपको कठिनाई नहीं होने देंगे, और आपके लोगों के लिए सारा पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आप लोगों को किसी तरह का कोई इधर से उधर गड़बड़ी नहीं करे, तंग नहीं करे, आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और आप जानते हैं हम लोगों ने तो पुलिस बल भी बनाया है अभी, और सारे जो इंडस्ट्री में लोग रहेंगे आपके बारे में उन्होंने जानकारी दे दी है, अब उसका भी हो रहा है, और हर जगह हम लोग उनको लगा देंगे, वो रहेंगे, आप जहां चाहिएगा वहां आपको उपलब्ध होंगे जो भी चाहिएगा। और बाकी स्थानीय स्तर पर भी जहां कहीं भी है, तो जो भी हमारे जिले के अंतर्गत कोई भी हो, उस सब के सब लोग इसको देखेंगे, आप लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, और कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे, तुरंत उसका गिरफ्तारी होगा, पकड़ेगा, ये सब चिंता मत करिएगा आप लोग। ये सब हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है, बड़ी खुशी की बात है, वो आना शुरू हुए आप लोग और यहां पर काम करने लगे और देख रहे हैं कि कितना लोग, और अभी आपको बता दिया गया जीविका की लोग कितना अच्छा, सब लोग अपना अपना बात बताएं, हम उसको क्या रिपीट करें। तो हर तरह से सारे लोग काम कर रहे हैं, और आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह का आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, इतना हम आपको कह देना चाहते हैं। और जो कुछ भी होगा बिहार के उत्पादन जो करेंगे, जो भी इकाई बिहार का उत्पादन करेगी, उन्हें सरकारी खरीद में प्राथमिकता दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग एक कानून बना रहे हैं, इस सरकार का निर्णय होगा, आप जो बनाइएगा उस पर सरकार जितना खरीद सकती है उसको खरीदने के लिए भी हम लोग अब एक बनाने जा रहे हैं, अपना उसके बारे में भी निर्णय लेने जा रहे हैं, हम लोगों ने तय कर दिया, आप लोगों को हम बता देते हैं, ये सब चिंता मत करिएगा। आज जानते हैं ना यहां पर जो काम कर रहा है, अब बाहर लोग जा रहे हैं तो इसीलिए आप समझ लीजिए। और एथेनॉल वाली बात है साहब, उसमें तो हम लोग और चाहते हैं कि और ज्यादा जगह मिले, अभी 17 ही को जगह मिला, हम बराबर कहते हैं कि यहां पर जितना सब चीज है और ज्यादा मौका मिलना चाहिए, अन्य जगहों पर भी जाएगा, फायदा होगा लोगों को, लेकिन जितने को भी अनुमति मिले और सब तरह का सुविधा होगी, तो अब बाहर भी जो जा रहे हैं, बाहर भी जो बिक्री हो रही है, सब यहां से लोग जा रहे हैं, कपड़ा उपड़ा सब बना रहा है बाहर, कितना बढ़िया से जा रहा, तो इसीलिए समझ लीजिए। और न सिर्फ राज्य देश के दूसरे हिस्सों में, बल्कि यहां तक कि विदेश में भी जा रहा, अब तो आपको बता ही दिया, यहां पर सेंटर से भी, यहां से भी बता दिए हैं, राज्य स्तर पर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है
यहां पर भी इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा और उसके आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। और पुलिस बल की संख्या कितनी बढ़ा रहे हैं हम लोग, हर तरह से काम कर रहे हैं एक एक चीज में, तो इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि बाकी सब चीज का विकास हो रहा है। अब जो देख लीजिए उद्योग और बढ़ेगा तो कितना अच्छा होगा, सब लोगों को सुविधा मिलेगी और यहां आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी सामान की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो सहयोग की जरूरत होगी राज्य सरकार से, बाहर से कोई चीज ला रहे हैं और लाने में आपको किसी तरह की असुविधा न हो, आप जो कहिएगा जो भी विचार दीजिएगा हम लोग राज्य सरकार की तरफ से आपको सहयोग करेंगे, आपको मदद करेंगे, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। और सुरक्षा की बात आपको हम कह दिए, इसलिए अब उम्मीद करें ना भाई, कोई बात नहीं ना आप लोगों को, अब चिंता बोलिए चिंता नहीं ना है, तो जरा हाथ उठा के बता दीजिए हमको कि आप लोग एकदम अपना काम करते रहिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कर दिया और हर तरह का सहयोग आपको करने के लिए हम लोग जो भी करना है वो करेंगे और सबको अलर्ट करके रखेंगे और पूरे तौर पर इसकी जानकारी हम लोग निरंतर, न सिर्फ आपको विभाग लेगा बल्कि सब लोग इसकी पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगर कोई इधर से उधर कहे कि हमको कुछ दीजिए, जरा और कुछ नहीं, अगर कोई गड़बड़ करके आपको बाएं दाएं करे, कृपा करके तुरंत खबर करवा दीजिए ताकि जो भी आपको कुछ कह रहा है उसको हम लोग तुरंत पकड़वाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप अपना इत्मीनान से अपना काम करिए और किसी तरह की हम लोग दिक्कत नहीं आने देंगे। और आज आप लोग आ गए हैं, इतना ही हम आपको एश्योर करेंगे कि कोई भी आपको और जरूरत पड़ेगी, जब भी मिलना चाहें, जब भी इस तरह की बातचीत करके अपनी बातों को रखना चाहे, उसके लिए भी लोग बराबर मीटिंग करेंगे डिपार्टमेंट के लोग और एक एक तरह की चीज देखेंगे। और जहां जरूरत पड़ेगा हमको भी आपका बात सुनने के लिए आना है, हम भी हाजिर हो जाएंगे। और एक बात तो जान लीजिए, जरा मेरी आदत है, अब काम हो रहा, हम कई जगह गए और कई जगह आप जो काम कर रहे हैं उसको हम देखने के लिए भी चले जाएंगे, उन जगहों पर भी हम जाकर के देखेंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग पूरे तौर पर काम करिए, कोई प्रचार प्रसार के चक्कर में मत रहिएगा, हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे और आप लोगों को किसी तरह की हम लोग दिक्कत नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज यहाँ पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है और आप सब लोगों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।